हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। मतलब ये हाइड्रोकार्बन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और यहां पर हम देखेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेंजीन की। ठीक है, जो बेंजीन है हमारा ये नॉन पोलर कंपाउंड है। सबसे पहली बात, ये हमारा कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड। क्लियर, एक अच्छा सॉल्वेंट है ना, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लियर, प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, शुरुआत में ही मैं ये सारी चीजें बता चुका था आपको। ठीक है, ये हमारा प्लीजेंट ऑर्डर है, नॉन पोलर कंपाउंड से, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से है हमारा। ये लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब कंपेयर में हम जब देखते हैं तो कंपैरिजन में हम सारी चीजें देखेंगे। क्लियर, मेन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। देखो, बेसिकली अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो है वो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड जो है उसका टफ हो जाता है टूटना। ठीक है, तो हमारा ये रेजोनेंस की वजह से इसका जो डबल बॉन्ड है ये हमारा टूट नहीं पाता है। मतलब डबल बॉन्ड इजिली नहीं टूट पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडिशन रिएक्शन तो नहीं देगा। ठीक है, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड ही टूटता है मोस्टली केसेस पे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन तो इजिली दे देता है, लेकिन ये हमारा जो एडिशन है ये इतना इजिली तरीके से नहीं देता है, लेकिन देता है। तो इसकी दोनों टाइप की हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहली चीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे इसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, केमिकल मतलब बेंजीन जो है किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि वो कंपाउंड किसी अदर के साथ किस तरीके से वो बिहेव करके क्या प्रोडक्ट देगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर एडिशन रिएक्शन में देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन में जरा देखो, सब्स्टिट्यूशन में जरा देखो हमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है इसकी। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कौन सी, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन हम कवर करेंगे। फिर हम तो क्या कवर करेंगे इसमें, हम फिर देखेंगे सल्फोनेशन, कौन सी नेशन, सल्फोनेशन। क्लियर होगी बात की नहीं। फिर हम देखेंगे एक नेम रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर, फ्रिडल क्राफ्ट में दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे, एक एल्काइलेशन, एल्काइलेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे एसाइलेशन, फिर हम क्या देखेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर, यहां पर एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे निकल के प्रेजेंस में, निकल और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे क्लोरीनेशन कराएंगे, किसके, लाइट के प्रेजेंस में। क्लियर, फिर हम इसकी करा देंगे क्या, कंबस्शन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। तो ये हमारी सारी एडिशन रिएक्शन में आती है, ये सारी हमारी किसमें, एडिशन रिएक्शन में। क्लियर हो रही बात की नहीं, इसको नोट करो फटाफट। अब हम एक एक करके सारी रिएक्शन कवर करते जाएंगे, एक एक रिएक्शन सारी कवर करते जाएंगे। देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली है रिएक्शन हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सी, हैलोजिनेशन रिएक्शन, एडिंग डालेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हैलोजिनेशन निकलेगा। हैलोजिनेशन मतलब हम हैलोजन का
इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इस सारी की सारी जो रिएक्शन है हमारी, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कौन सी सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें याद रखना, ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहां पर करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक, क्लियर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी यहां पर, समझे बात की नहीं समझे? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलोजनेशन में जो हमारा काम करेगा, इस तरीके से हमने बात की है आपसे, तो यहां पर ये ब्रोमिनेशन अगर हमने इसकी कराई, तो यहां पर जो है वो ब्रोमीन प्लस अटैक करेगा। कौन सा अटैक करेगा? ब्रोमीन प्लस। और यहां पर ये ब्रोमीन लग जाएगा, क्लियर हो रही बात की? और HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HBr। समझे बात की नहीं समझे? क्योंकि H प्लस निकलेगा, क्योंकि Br प्लस ने अटैक किया तो H प्लस निकलेगा। एक्चुअली में इसकी बेसिकली मैकेनिज्म क्या काम करेगी, यहां पर जैसे Br प्लस लगे, यहां पर क्या हो गया? प्लस आ गया कार्बन में, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन निकल जाएगा और HBr आ जाएगा, क्योंकि Br नेगेटिव अच्छा न्यूट्रल वाले अटैक कर देगा, H प्लस को ले जाएगा, क्लियर। तो ये बीच में मैकेनिज्म होगी यहां पर, समझ रहे हो बात की नहीं? नोट करो फटाफट, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को जरा देखो, नाइट्रेशन में जरा हम देखना, यहां पर नाइट्रेशन रिएक्शन में हम देखेंगे नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होगी। देखो बेंजीन है हमारी, ठीक है, बेंजीन है, और बेंजीन के बेंजीन में हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्लियर, दोनों कंसंट्रेटेड ले लेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन, क्लियर हो रही बात की, समझे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन, NO2 लग जाएगा। यहां पर जो NO2 का वो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, मैंने बताया ये सारी चीज कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पिरिडिल ग्राफ, सब कुछ, क्लियर हो रही बात की? तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी है सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, देखो उधर पे, यहां पर ये बेंजीन है, हमने ले लिया क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या ले लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पर क्या लग जाएगा? सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H। क्या लग जाएगा? SO3H। क्लियर हो रही बात की? तो ये हमारा हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन। समझे बात की नहीं समझे? क्लियर हो रही बात? फटाफट इसको नोट कर लो, ये हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फ्रिडल क्राफ्ट। कितनी बात क्लियर हो रही होगी आपको? फटाफट नोट करो उसको, फटाफट नोट करो। मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग को नहीं देखनी है यहां पर, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डिटेल में मैकेनिज्म प्रोसेस का देखेंगे बाद में, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ लेक्चर्स देखेंगे, क्लियर। यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट में जरा देखना, सबसे पहली चीज पहली है हमारी एसाइलेशन, एल्काइलेशन पहले देख लो। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, है ना, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा आर, क्लियर होने बात की? जरा देखो यहां पर एल्काइलेशन किसके प्रेजेंस में होगा, ये बेंजीन है हमारी, हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया? एल्काइल क्लोराइड लेना है आपको, और यहां क्या ले लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। क्या ले लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3, क्लियर होने बात की? यहां पर क्या लग जाएगा? CH3Cl में, CH3Cl में CH3 प्लस जुड़ेगा, ये नेगेटिव मिथाइल जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा?
मतलब यहां पर क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये एल्काइलेशन हो चुका है। क्या हो चुका? एल्काइलेशन। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट रिएक्शन, अब देखो HCl यहां पर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, HCl निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात की नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर सेकेंड पार्ट है हमारा एसाइलेशन। कौन सा पार्ट है? एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमको क्या देखना है यहां पर, देखो जरा एसाइल ग्रुप क्या होता है यहां पर, पहले वो समझ लो आप। ये हमारा बेंजीन है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये CH3COCl, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप का जुड़ना क्या होगा, एसाइलेशन। और सेम रिएजेंट हमारा है एनहाइड्रस AlCl3, क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, और यहां पर ये ऐसा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा यहां पर, जरा देखो COCS3 कीटोन बन गया हमारा, और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? इसको क्या नाम दोगे, एसिटाफिनोन। क्या नाम दोगे, एसिटाफिनोन। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, एसिटाफिनोन, नोट कर लो फटाफट, ये क्या हो गया, एसिटाफिनोन। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही होगी आपको बातें ये सारी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन हमारी हो गई है। सब्स्टिट्यूशन में हमने कौन सी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, याद रखना, क्लियर हो रही बात की नहीं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन, देखो जरा यार ध्यान से, एडिशन रिएक्शन देखो मुश्किल से होती है एडिशन रिएक्शन। अब जरा ये डबल बॉन्ड है हमारा, जरा देखना यहां पर क्या किया जाए, क्या किया है इसमें, निकिल के प्रेजेंस में यहां पर क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, और हीट दे दिया, हाइड्रोजनेशन, बेसिकली हाइड्रोजनेशन कर दी, और यहां पर क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं, समझ में आ रही बात, तो इसको बोल देंगे क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या रिडक्शन ऑफ बेंजीन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, क्लियर, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, समझे बात कि नहीं समझे, ये कर सकते हो इजिली। सेकेंड रिएक्शन इजिली तो नहीं होगी, ये टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बेंजीन में, बेंजीन में हमने क्या करा दी, क्लोरीनेशन करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, किसके प्रेजेंस में, एच न्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहां पर जब लाइट के प्रेजेंस में करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है, सारे डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन जुड़ जाएगा यहां पर, समझे बात की नहीं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, 1.2.3.4.5.6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्या नाम हो जाएगा, 1.2.3.4.5.6 हेक्साक्लोरो, क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, नोट कर लो इसको फटाफट, क्लियर। लास्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है हमारी, लास्ट रिएक्शन कौन सी है, लास्ट रिएक्शन हमको देखनी है हमारी है कंबस्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन, जरा यहां ध्यान से देखना एक चीज, अगर हमने बेंजीन में, बेंजीन में अगर हमने क्लोरीनेशन कराई डार्क के प्रेजेंस में, डार्क ले लिया, ठीक है, और हीट ले ली, क्लियर, डार्क और हीट, तो यहां पर जो बेंजीन हमारी होगी यहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा, क्लियर, समझे, यहां पर डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा, बस हाइड्रोजन इमिट होंगे, हाइड्रोजन इमिट होंगे, तो ये अलग बनेगी, ये हमारी 1.2.3.4.5.6 हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगी है, लेकिन ये डार्क प्रेजेंस में होगी और हीट देनी पड़ेगी, वहां लाइट के प्रेजेंस में थी, क्लियर हो रही बात की नहीं, समझे, सो नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी थर्ड रिएक्शन एडिशन की, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन ऑफ बेंजीन, कंबस्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, जला दो बेंजीन को,
जलाओगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जलाने के बाद क्या मिलेगा हमको, वाटर, ठीक है, कंबशन करवा दो इसका, ठीक है, हीट दे दो बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा इसका कंबशन, और कंबशन हो जाएगा क्या बन जाएगा CO2, कितने 6, क्योंकि 6 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा वाटर, क्लियर, समझे बात की नहीं, तो इसको नोट कर लो, क्लियर हो गई बात की नहीं। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस हैं बेंजीन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कौन सी है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करती हैं बेंजीन की, क्लियर। अब यहां पर अब हम देखेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो डायरेक्टिंग ग्रुप में हम कुछ कंपाउंड्स देख लेंगे, उसके हिसाब से हम क्लियर कर लेंगे। देखो बेसिकली डायरेक्टिंग में दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लिख लेना ये फुल फॉर्म, ये मैं बता चुका हूं आपको जीओसी में। दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला बेंजीन पे और इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब हम कुछ कंपाउंड देखेंगे उसके हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हम कंपाउंड देखेंगे फिनॉल, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो यहां ध्यान से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल बेसिकली इस पे जो OH ग्रुप लगा है ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये यहां टूटेगा, जरा यहां ध्यान से देखते जाना, तो यहां देगा ये हो गया निगेटिव, ये डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया प्लस, क्लियर, ये बॉन्ड यहीं पर टूटेगा, जिस लाइन से चलेगा उसी लाइन में आएगा ये, क्लियर, एरो सही से बनाना बस, यहां पे नेगेटिव ये प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, क्या बन गया डबल बॉन्ड, क्लियर, यहां पर OH ये प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है, यहां पे नेगेटिव, क्लियर, समझे बात की नहीं, ये यहां टूट जाएगा, ये प्लस ये नेगेटिव, क्या बन गया यहां पर, क्या बन गया ये प्लस नेगेटिव, क्या बन गया बॉन्ड बन गया, क्या बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड OH, इतनी बात क्लियर हो रही, ये प्लस यहां पे ये नेगेटिव, क्लियर हो रही बात, इसको नोट कर लो, ये यहां पर टूटेगा, ये प्लस नेगेटिव प्लस क्या बन गया बॉन्ड, क्या बन गया बॉन्ड, इतनी बात समझ में आ रही, ये क्या हो गया बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, और यहां पर ये टूटा तो ये क्या बन गया बॉन्ड, यहां पर क्या हो गया OH, क्लियर। तो टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है हमारे फिनॉल के कितने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो लिख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल मतलब OH, इसमें ये पता चल गया आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लियर। तो ये कौन सा है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ रही है, देखो ऑर्थो पे आ रही है, यहां पर आ रही है ऑर्थो पे आ रही है ना, यहां पर देखो ऑर्थो पे आ रही है, फिर पैरा पे आ रही है, फिर ऑर्थो पे आ रही है, मतलब ये कैसा है ओपी डायरेक्टर, कैसा है ये लिख लेना है ओपी डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये, लिखना ओपी डायरेक्टर, क्लियर, इसको फटाफट नोट कर लो, ओपी डायरेक्टर हो गया ये, नोट कर लिया। अब देखो यहां ध्यान से नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रोबेंजीन को जरा देख लो, नाइट्रोबेंजीन देखो जरा नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें, नाइट्रोबेंजीन में देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देख लेंगे हम, जरा देखो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जरा देखो, ये हमारा इस तरीके से है NO2, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर ये इस तरफ से आएगा है ना, ये ले रहा है, पहले वो दे रहा था तो एरो कहां आ रहा था नीचे साइड, ये का ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर जरा देखते हैं ना ध्यान से, ठीक है, आपको साथ साथ चलना है, ठीक है, साथ साथ चलना है, यहां पर क्या हो गया ये लेगा, क्लियर हो रही बात की नहीं, समझे बात की नहीं, देखो यहां पर NO2 यहां पर ये प्लस, क्लियर, यहां पर क्या बन गया ये सॉरी प्लस आ जाएगा यहां पर, और ये नेगेटिव ये प्लस, क्या बन गया ये बॉन्ड,
यहां पर क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर हो रही बात, समझे बात की नहीं समझे? क्लियर समझे? अब देखो यहां पर ये इस तरीके से आ गया, क्लियर है बात, समझे कि नहीं समझे? देखो देखते हैं ना ध्यान से, ध्यान से आप देखते जा रहे हो कि नहीं? ठीक है देखते जाओ। अब ये हमारा टूटा इस तरफ से, ये हमारा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ रही है, मेटा पे आ रही है। कहां पे आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ रही है? मेटा पर। देखो इसको हम एक बार खोल के बता दे रहे हैं आपको, खोल के बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये जो नाइट्रो आ रहा है ना नाइट्रो, ये नाइट्रो एन पे नेगेटिव नहीं है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये नेगेटिव है इस तरफ से, ठीक है? ये हमारा इस इधर पे नेगेटिव है, ठीक है? ये ओ है, समझे बात? ये इस तरफ से नेगेटिव है, क्लियर हो रही बात नहीं? देखो एक बार फिर से देख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। देखो दत्त यहां पर ओपन करके बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। यहां पर एन है, डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर ये ओ है, ठीक है? ये इस तरफ टूट रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है? तभी इसी टूटने की वजह से साइकिल ऊपर से स्टार्ट हो रही है, क्लियर? क्योंकि रेजोनेंस में ये भी पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है? तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है, यहां पर प्लस, यहां पर अब ध्यान से देखते आना, अब क्लियर होता जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव, अब जरा देखो ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, क्लियर? इसको ऑक्सीजन इसको अलग डाल दो, यहां पर क्या आ गया प्लस, ठीक है? और ये इस तरफ से ये इधर टूटा, क्लियर हो रही बात नहीं? यहां पर क्या हो गया ये, जरा ध्यान से देखते हैं ना, यहां पर टूटा है, बन गया बॉन्ड, यहां पर क्या गया प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आ रही है, मेटा पर आ रही है, समझते आ रहे हो कि नहीं? ठीक है ये एन, यहां पर ये ओ नेगेटिव, और यहां पर क्या है ये ओ, क्लियर हो रही बात नहीं? इसको नोट कर लो, ये आ गया क्लियर। अब ये क्या हो गया जरा देखो यार ध्यान से, यहां पर क्योंकि इस तरफ से टूटता जा रहा है, क्लियर हो रही बात नहीं? यहां कहां टूटेगा, यहां पर, ये मेटा पे टूटा, ये भी मेटा की पोजीशन, क्लियर हो रही बात नहीं? समझे? तो ये नेगेटिव और प्लस क्या बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बना था, यहां पर क्या है नाइट्रोजन, ये ओ नेगेटिव, यहां पर क्या है लोन पेयर, ठीक क्लियर? ये प्लस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओपी पे आ रही है, क्लियर? यहां से फिर से तोड़ो तो चार तो स्ट्रक्चर बने, लास्ट स्ट्रक्चर और बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ये हमारा प्लस, क्लियर हो रही बात नहीं? अब यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड बना दिया ना, डबल बॉन्ड बन रहा है, क्लियर? डबल बॉन्ड बन रहा है, क्लियर? अब यहां से ये टूटेगा, क्लियर? सॉरी इसी इसी डायरेक्शन में है ना, इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना सब, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टूट रहा है, यहां पर नेगेटिव प्लस क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, क्लियर? यहां पर क्या हो गया नाइट्रोजन, क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर बन गया ये प्लस, यहां पर क्या बन गया ये बॉन्ड, समझे बात कि नहीं समझे? क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही? मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज चल रहा है तो सारा क्लॉकवाइज। तो हमको यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। तो यहां से ये चीज बताया कि कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हमारे कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टर, ठीक है, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और ओपी डायरेक्टर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन पे, बेंजीन रिंग पे, क्लियर? तो यहां से ये दोनों चीज क्लियर होगी, ये मैं जीओसी में भी मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड करना है, ठीक। यहां पर हाइड्रोकार्बन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी डाउट हो जो भी क्वेश्चन हो फिर आप पोर्टल में जाके मुझे देख सकते हो, पूछ सकते हो, और जो व्हाट्सएप से जुड़े हो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस डाल सकते हो, क्लियर? नोट कर लो इसको फटाफट।